मॉर्निंग, कैसे आप लोग? गुरु की तबीयत आप पहले से बहुत अच्छी हुई है, आप लोग ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, बेस्ट विशेज बहुत अच्छी है, तो आप लोग को थैंक यू सो मच दिल से। हाँ, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं गुरु ठीक हो चुकी है, और गुरु ठीक होने के बाद फुल शैतानी कर रही है हॉस्पिटल में। चलिए आप लोग को बैक कैमरे दिखाता हूँ गुरु की शैतानी। और आज डिस्चार्ज का दिन है, आज डिस्चार्ज कर अभी डॉक्टर एक घंटे में आ जाएंगे, तो और गुरु को डिस्चार्ज करने की बात कल कर रहे थे, लेकिन आज फिर एक दिन के लिए और रोक दिया कि आज ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उसके बाद अब डॉक्टर एक घंटे में आ रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। खुशी की बात ये है, 3 दिन यहाँ बीत गए हमारे। दिन है ना, हाँ तीसरा दिन है। चलिए आप लोग को गुरु की शैतानी बैक कैमरे दिखाता हूँ कि अब ये सोने का ढोंग कर रहा है। गुरु की सो रही है। हेलो हेलो, गुरु नींद आ रही है आपको? घर चलना है? नहीं, आप कैसे हो? आप कैसे हो? हैं? अच्छा जोर से बता दो एक बार। कैसे हो? मामा वॉइस टोन है ना, बहुत नौटंकी कर रहा है। ड्रिप आज हट जाएगी, बस थोड़ी सी बची है, और उसके बाद फिर हम लोग घर जा रहे हैं। फिर घर चल के थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। और जानू, आप कुछ कहना चाहती हो? घर जाने की खुशी की लहर? खुशी, इतनी खुशी हो रही है कि घर जाके मतलब आराम यहाँ भी किया है, मगर यहाँ पर थकान हो रही है। सही बात, ठीक है। स्माइल कर दो, स्माइल कर दो गाइस। सब लोग कितना प्रे कर रहे थे कि जल्दी से हो जाए। क्या सबको थैंक यू बोलो? थैंक यू, थैंक यू एक बार कर दो। और गाइस, गुरु के दादा ने उसे अब हॉस्पिटल में रुकने को तैयारी नहीं हो रही थी, घर की बस घर लेके चलो, घर लेके चलो, घर लेके चलो की जिद पकड़ रखी थी। तो उसके बाद फिर उसके दादा ने उसे एक डॉक्टर किट ला के दी, डॉक्टर किट, और एक कार ला के दी कि यहाँ पे इसका मन लगे रहा, खेलती रहे। एक ये क्ले मिट्टी जो होती बच्चों की खेलने वाली, वो ला के दी। कलर्स ला के दिए कि ड्राइंग कर ले, कलर्स ड्राइंग कर दिए। हाँ, वो तो सारे पैक कर दिए, पैक कर दिए। पैकिंग कर दी मैंने, कलर, हाँ इसने कलर पैक कर दिए मैंने, क्योंकि पैकिंग हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से, तो हम लोग को अब यहाँ पे लड़ाई लेने के लिए 1.5 घंटा बचा है। और उसके बाद ये रख दो सब उठा के, इसने खिलौ इसने अच्छे में क्या जिद बहुत कर दी बस घर लेके चलो। हाँ, यहाँ ये रुकने का बिल्कुल ना, इसका ऐसे था ये था कि मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं। उसके बाद फिर अब ये ट्रिप खत्म हो रही है, उसके बाद आप लोग अब जल्दी डॉक्टर आके देख लेगा, चेक कर ले, फिर हम लोग आज घर की ओर निकल रहे हैं। गाइस नहीं दिख रही, गाइस बोलना दिखेंगे वो हमें। कैसे हो? पहले बताओ, सबको बताओ कैसे हो। पहले बताओ मैं अच्छा हूँ, ये तो मेरा चैनल है, मैं इसको बंद कर दूँ। पहले बताओ मैं अच्छा हो रहा हूँ, पहले बोलो, ये बोलो प्लीज मम्मा के। गाइस इसमें चिड़चिड़ापन इतना आ गया है ना, इतना चीड़ हो रही है, ये लगा लो फोन में ऐसे पकड़ के इसको। दवाई खाने के बच्चों के बड़ों को भी चिड़ हो जाती है। हाँ ये तो है, ये बात हकीकत है। और फोन देखो मेरा हाथ दर्द हो जाता है यार, ये चीज मेरी पूरी दर्द हो जाती है, जैसे अभी मेरा हो रहा है। अच्छा चलिए चलिए ठीक है। कल देख लो गुरिक यहाँ हॉस्पिटल में पेंटिंग कर रहा है। गुरिक हेलो कर दो सबको। हेलो, कहना मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। कैसे हो आप? ठीक हो ना? इधर देख के कहो, ठीक हो ना? अच्छे हो ना? ठीक है, ठीक है। गाइस पेंटिंग देख लो, मिक्की माउस का ग्रीन हो गया। रेम्बो कलर्स करोगे आप इसमें? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। मेरा शेर? नहीं शेर नहीं, हूँ टाइगर। ओह शेर हूँ, टाइगर हूँ, टाइगर हूँ। परसों तक कल तक आवाज निकली थी, आज टाइगर शेर तक बन रहे हैं। जू मैंने कहा चलो, जू मैंने, ठीक हो जाओ फिर, जू ठीक है, आप सही हो जाओ फिर। कभी भी नहीं जा पाए? हाँ बेटा जाएंगे, जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना बेटा, आप ठीक हो तो हो जाओ। Hey guys, अब नेक्स्ट टाइम मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल हम लोगों को टाइम नहीं मिला और गुरिक को मैं घर ले आई हूँ। थोड़ी सी मुझे मेरी आवाज़ आप लोगों को अजीब लगेगी, तो 3 दिन से 2 दिन से मैं सोई नहीं हूँ वहाँ पे, और थोड़ी थकावट हो जाती है। गुरिक तो ठीक हो गई थोड़ी, हम भी अभी भी थोड़े से हो गए, गले में थोड़ा हमें दिक्कत हो गई, वैसे हम लोग ठीक है। और गुरिक से मैं बाद में मिलवाऊंगी आपको। आज सुबह मॉर्निंग में अभी नहा के मैं निकली हूँ,
मैंने कहा थोड़ी सी गाइस से बात कर लेती हूँ, और आपके भाई जो है वो थोड़ी गाड़ी साफ़ कर रहे हैं बाहर, और आपसे बाद में मैं मिलवाती हूँ, और गुरिक से भी मिलवाती हूँ आपको। मैं जा रही थी नाश्ता बनाने, मैंने सोचा आप चलो पहले बात करती हूँ थोड़ी सी। और सब कुछ ठीक है अब तो, गुरिक भी सही है। हाँ गाइस, जैसे आप लोग की परिजाई ने बताया कि गुरिक अब ठीक है, बहुत अच्छी है हो रही है, और बहन की तबीयत खराब थी, बहन भी अच्छी हो रही है। बहन के लगवा दिया इंजेक्शन तो ताकत का तो सही हो गई वो। और मैं नहा के अभी निकला हूँ, क्योंकि दो दो दिन हो गए तो नहाए नहीं थे हॉस्पिटल में, क्योंकि दिन भर काटना पड़ रहा था, और रात में सोने को भी नहीं मिल रहा था, नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। घर पे आ गए थोड़ा सा नींद पूरी हुई, लेकिन अभी भी लग रहा है कि सो जाएँ थोड़ा सा, बहुत आँखों में नींद भरी पड़ी है। और उसके बाद फिर चलो आप लोगों को गुरिक की शक्ल दिखाया था, गुरिक अब थोड़ी ठीक है, गुरिक को बहुत अच्छा लग रहा है। नाश्ता अपना मम्मा के साथ ब्रेड खा रही, क्योंकि डॉक्टर ने अभी हैवी खाने को मना किया है ना, तो अभी नाश्ता सिर्फ डॉक्टर ने कहा कि खाली ब्रेड, ज़्यादा घी वगैरह मतलब है ना, ऐसे नॉर्मली सेक के खिलाना, ज़्यादा ऑयली वॉयली मत खिलाना, चाउमीन भी मत खिलाना उसे भी। और चलो आप लोग को दिखाता हूँ गुरिक। गुरिक हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा, कैसे हो, ठीक हो ना, अच्छा लग रहा है आपको? दवाई टाइम टू टाइम खा रहे हो ना? दवाई खा रहे हो? नहीं, वो बहुत कौड़ी होती है। कौड़ी लगती है आपको? इसी करके तो बेटा लेके गया। चलो थोड़ी थोड़ी सी तो खा लेते हो, वैसे ना ज्यादा मत खाना। चलो मत खाना, अच्छा, नहीं, दवाई नहीं देंगे, दवाई नहीं देंगे। अच्छा, अच्छा, चलो उसके बाद फिर अब मैं, अब दो तीन दिन से मेरी शॉप भी बंद है, मैं शॉप पे नाश्ता ब्रेकफास्ट करके शॉप पर भी जाने वाला हूँ, क्योंकि अब 3 दिन से कस्टमर मुझे लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि ये काम वो काम, तो मैंने उनको आज टाइम दे दिया था। और लाइट भी, एक तो लाइट बहुत जा रही है, लाइट बहुत जा रही है, ऊपर से गर्मी बहुत हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि भैया अभी नहा के निकला हूँ, देख लो पसीना अभी भी क्या स्थिति है। और अब नाश्ता वास्ता करके जब शॉप पर पहुँचता हूँ तो थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ। चलिए ओके बाय। हाँ तो गाइस अभी नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ता करने के बाद पापा की दवाई दिखाता हूँ, पापा भूल गए दवाई कैसे खानी थी कल, उनको दवाई जो खाते हैं अपनी, डॉक्टर को दिखा के आता हूँ कैसे खानी है। और उसके बाद फिर उसके बाद नाश्ता करके मैं भी जा रहा हूँ शॉप पर। हाँ तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं शॉप पर आ गया हूँ, और शॉप पर आज 5 दिन बाद शॉप खोली है मैंने, और 5 दिन बाद क्या शॉप गंदी बहुत हो रही है, लेकिन मैंने कोई झाड़ू मारने टाइम नहीं है, कस्टमर्स आए पड़े हैं एक के बाद एक ऊपर वाले के आशीर्वाद से, तो मैंने सोचा कि पहले काम निपटा तो झाड़ू पोछा तो मैं कर ही लूँगा, क्योंकि झाड़ू पोछा तो बात की बात है, लेकिन कस्टमर ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। पूरी दुकान में गंद फैला हुआ है, और भाई का लेमिनेशन में काट रहा हूँ करने के लिए। कैफे का काम तो पेंडिंग चल ही रहा है, और मोबाइल का काम भी बहुत पेंडिंग चल रहा है, मोबाइल का काम भी, कस्टमर्स अब आ रहे हैं बार बार, क्या करूँ मैं अकेला आदमी, क्या क्या देखूँ। तो हेलो गाइस, तो मैं पहुंच गया हूं अब घर, बहुत थका हुआ लग रहा हूं ना, मैं थका हुआ तो हो ही गया हूं, क्योंकि आज मैंने पहले कैफे का काम निपटाया, फिर मोबाइल का काम निपटाया, इतना सर भारी हो रखा है उसके बाद फिर अब घर आए हैं, तो मैं अपनी जानू से बोलता हूँ कि एक कप यार मेरे लिए चाय बना दो, खाना बाद में खाऊंगा। जानू पहले तो हाय कर दो, हेलो, तो एक कप चाय मिलवा दो यार, खाना बाद में खाएंगे, ठीक है, खाना बाद में खाएंगे, ठीक है गाइस। और पीछे वाले दूसरे रूम में, पापा वाले रूम में फौजी अंकल ही बैठे हुए हैं, उन लोगों की इंडिपेंडेंट डे को लेके थोड़ी बात चलाप चल रही है कि इंडिपेंडेंट डे खाना करना है, क्या करना है, कैसे करना है, फौजी जो एक्स सर्विस मैन है ना, उनकी बात चल रही है। चलिए आप लोग को मैं उनसे भी थोड़ा इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मिलाता हूँ अंकल जी से। चलिए मैं इस रूम में आ गया हूँ, और मैं आप लोग को अंकल जी से भी मिलाता हूँ, अंकल जी बैठे हुए मेरे पास, अंकल जी की बात तलाप चल रही है 15 अगस्त को लेके, और गाइस देख लीजिए। हेलो अंकल जी, हेलो कर दो, हेलो 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 हेलो।
तो अंकल जी लोग की जो अंतिम अंकल जी भी एक्स सर्विस मैन है, रेडी भी एक्स सर्विस मैन है, तो उन लोग की 15 अगस्त को लेकर बात और चलिए कि कैसे क्या है, प्रोग्राम करना है, खाना पीना जो भी करना है, जैसे भी करना है, क्योंकि एक्स सर्विस मैन जो है वो लोग यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं कि यहाँ पे मैरिज हॉल है सत्यम, तो वहाँ पे लोग मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं छोटा सा प्रोग्राम जहाँ सारे एक्स सर्विस मैन आते हैं, जो अलग अलग एयरफोर्स के भी होते हैं, नेवी के भी होते हैं और अपने इंडियन आर्मी के भी होते हैं। तो वही तो बात चल रही है अंकल जी, इसलिए आए हुए हैं घर पर डैडी के संग बात करने। और अंकल जी कुछ नहीं था जी, बस ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया चलिए, बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चलना चाहिए बस। अंकल जी का आशीर्वाद से मेरा भी ब्लॉग बढ़िया ही हो जाए बस। चलिएगा चलता हूँ मैं, अब चलता हूँ, चाय वाय पिलवा दो, चाय वाय पिलवा दो, ठीक है, मम्मी हाय कर दो, चलो ओके गाइस, चाय पीता हूँ फिर बात करता हूँ। और अभी चाय पी रहा हूँ क्योंकि मैं थक गया था, तो मैंने कहा अपने जाने से कि मैंने कुछ चाय पिला दो यार, एक कप खाना बाद में खाऊंगा, पहले भूख लग रही है, भूख भी लग रही है लेकिन मुझे चाय की भी ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि चाय जो है थकान मिटाती है बहुत अच्छा, और मेरी जान की शक्ल देख लेता हूँ तो मेरी थकान ऐसी कम हो जाती है। इसके अलावा फिर चाय बहुत टेस्टी बनाई है आपने, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पी के हुए। मसाला चाय, मसाले का कौन सा मसाले का टेस्ट डाला, मीट मसाला, तो उसके बाद फिर गाइस आज का मैं इतना ही रखता हूँ। और आप कुछ कहना चाहती हैं? बस यही कहूंगी प्लीज सब्सक्राइब टू गुरिक चैनल, थैंक यू, ओके बाय।